अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद साहद और ये मेरे यूट्यूब चैनल है। हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हाउस कंस्ट्रक्शन को डील करते हैं। उसके अलावा घरों का नक्शे, हाउस प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइन, इन तमाम सर्विसेज के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं या हमारे ऑफिस आ सकते हैं। अच्छा, प्लाई कौन सी बेहतर रहती है, कौन सी शटरिंग हमें लगवानी चाहिए? अमूमन जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं पट्टे वाली शटरिंग, पट्टा जो होता है और उसके नीचे हम बलियां लगा के उसकी शटरिंग लगाते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें थोड़े हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे हमें अच्छी सरफेस चाहिए होती है छत की, तो वहाँ पे हम ये प्लाई की जो शटरिंग है ये इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ये वाली शटरिंग इस्तेमाल हुई है। और शटरिंग हम छत डालने के तकरीबन 10 से 14 दिन बाद हम शटरिंग खोल लेते हैं। मतलब अगर आपने शटरिंग लगाई, छत डाल ली है, तो आप उसके बाद 3-4 दिन बाद आप उसके ऊपर जो मटेरियल चढ़ाना शुरू कर देते हैं। अभी इसके ऊपर कॉलम खड़े हो चुके हैं, लेकिन ये शटरिंग अभी खोल रहे हैं आस्ता आस्ता। तकरीबन 14 दिन बाद ये मुकम्मल इसको रिमूव कर देंगे और ऊपर वाली छत के लिए इस शटरिंग को लगा देंगे। अच्छा, एक होती है फटे वाली शटरिंग, एक प्लाई की होती है, एक लोहे की हमारे पास शटरिंग होती है। ये जो प्लाई वाली और जो लोहे की जो शटरिंग होती है, उससे जो हमारी सरफेस है वो अमूमन साफ़ होती है, जो हमारी छत की सरफेस साफ़ निकलती है। लेकिन जो फट्टे हम जिस पे लगाते हैं, ये इस तरह के फट्टे और ये जो बलियों की मदद से घरों में जो आम लोकल घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमारे पास जो छत की जो सरफेस है वो इतनी साफ़ नहीं होती, लेकिन वो सस्ती पड़ती है। तो ये प्लाई और जो लोहे वाली शटरिंग है ये अमूमन थोड़ी महंगी पड़ती है, उससे इसका रेट ज़्यादा होता है। सबसे पहले हम बीम खोलते हैं इसके, बीम्स की जो शटरिंग है, ये जो बीम है, और उसके बाद फिर आस्ता आस्ता साथ साथ ऊपर भी अभी काम शुरू है। ऊपर भी कॉलम्स का स्टील बांध दिया और कंक्रीट पोल कर दी है आधे कॉलमों की, तकरीबन 7-8 दिन बाद। तो ये बीम, पहले बीम खोलेंगे, फिर उसके बाद मुकम्मल इसकी जो स्लैब है वो उसकी शटरिंग रिमूव करेंगे। फिर यही वाली जो शटरिंग है ये ऊपर ले जाएंगे ऊपर वाली छत के लिए। इसी तरह फिर ऊपर 7th फ्लोर ये बिल्डिंग है, 7 मंजिला प्लाजा है, तो इस तरह काम चलता रहता है। मेरा तल्लुक क्योंकि कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग से है, और इस टॉपिक पे वीडियोस देख इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो अगर पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।